नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जैसे कि डेफिनेशन हमने मॉड्यूलेशन की पढ़ी है, वैसे ही डेफिनेशन है। इसमें एक टॉपिक आएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, अभी हम पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है जी। और इसकी डेरिवेशन भी करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। सुपर इम्पोजिशन, पहले डेफिनेशन क्या है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ मैसिव सिग्नल ओवर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल बाय चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू मैसिव सिग्नल, ठीक है जी। एम्पलीट्यूड चेंज करना है किसका, कैरियर सिग्नल का विद रिस्पेक्ट टू मैसिव सिग्नल। अब बात करते हैं कैरियर सिग्नल, ये हमारा सीटी कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, आप देख ही रहे हैं नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है, ठीक है जी। आपने ड्रॉ करना ध्यान से, एम्पलीट्यूड ए सी है, कितना एम्पलीट्यूड है जी ए सी, हमने बोला है इक्वेशन में सी टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा टी। ये क्या होता है एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या होता है ये ओमेगा सी, ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी मैसिव सिग्नल, मैसिव सिग्नल भी बोल सकते हैं इसको, इंफॉर्मेशन सिग्नल भी बोल सकते हैं, बेसबैंड सिग्नल भी बोल सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो गया और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कई सारे नाम है इसके। और ये लो फ्रीक्वेंसी होता है एम टी इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा टी, ए एम साइन ओमेगा टी। तो ये क्या है जी हमारा एम्पलीट्यूड, ये क्या है जी हमारा एम्पलीट्यूड, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वही क्या है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल सी एम टी, मॉड्यूलेटेड मैसिव सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग, और जिसकी मॉड्यूलेशन हो चुकी है उसको क्या बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है जी। उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर एक वेव बनाएंगे मैसिव सिग्नल की, नीचे एक वेव बनाएंगे मैसिव सिग्नल की, फिर बीच में कैरियर ड्रॉ होगा, बीच में क्या ड्रॉ होगा जी कैरियर, कैसे, जहां एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में ज्यादा मैसेज का वहां पर कैरियर का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जहां एम्पलीट्यूड मैसेज का नेगेटिव में ज्यादा वहां कैरियर का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे ड्रॉ होगा। ये मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये हमारा ए एम और ये हमारा ए सी, ये हमारा क्या है ए सी, ठीक है जी। ये सारा डायग्राम बनाना है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, हाँ जी, व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, लिख सकते हैं डेफिनेशन लिखना चाहे, एम से रिप्रेजेंट करता है, कई बार म्यू से, चेंज इन द एम्पलीट्यूड, चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ऑफ कैरियर वेव अपॉन ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, अपॉन ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं चेंज कितना हो रहा है, ए एम ऊपर जा रहा है, ए एम ही नीचे, तो मैं चेंज को क्या कह सकता हूं, चेंज इन एम्पलीट्यूड ए एम के बराबर है और ओरिजिनल कितना है ए सी, तो ए एम अपॉन ए सी, एम की वैल्यू क्या होगी ए एम अपॉन ए सी, हाँ जी। एम की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू वन, लेस देन और इक्वल टू वन टू अवॉइड डिस्टॉर्शन, टू अवॉइड डिस्टॉर्शन, ठीक है जी, समझ आई बात जी कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एक और फार्मूला भी है, हाँ जी। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं ए एम की भी और ए सी की भी, ठीक है जी। ए एम की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना मेरा, ए एम एक्स माइनस ए मिन, ये ऊपर भी ए एम है नीचे भी ए एम है, तो ये टोटल क्या हो सकता है टू ए एम, ये टोटल क्या हो सकता है टू ए एम, अगर मैं ए एम एक्स माइनस ए मिन कर दू, डायग्राम से आप देखेंगे
ए मैक्स माइनस ए एम किस, ये भी ए एम है, ए एम प्लस ए एम टू ए एम इज इक्वल टू ए मैक्स माइनस ए मिन, तो ए एम की वैल्यू क्या आ गई, ए मैक्स माइनस ए मिन बाय टू बाय टू। तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए मैक्स माइनस ए एम, ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए मैक्स माइनस ए एम, ए एम की वैल्यू आपने निकाल रखी है वो डाल दो जी, ए मैक्स माइनस ए मैक्स माइनस ए मिन बाय टू, टू एलसीएम ले लिया, टू ए मैक्स ठीक है जी, माइनस ब्रैकेट में गया तो माइनस ए मैक्स माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए मिन बाय टू। तो ए सी का फार्मूला क्या आ गया जी मेरा, ए मैक्स प्लस ए मिन अपॉन टू, ठीक है जी, डन है। ऊपर वाले फार्मूले में डाल दो, एक नया फार्मूला क्रिएट हो जाएगा आपका। तो एम क्या आ गया जी, ए मैक्स माइनस ए मिन ए एम की वैल्यू बाय टू अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन बाय टू, टू से टू कैंसिल हो गया। हाँ जी, ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन बाय टू, तो एम का फॉर्मूला क्या आ गया, ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है जी, दो नंबर का आ सकता है पेपरों में। थैंक यू।